कहानी आप तक कैसे पहुंची ये बता दीजिए एक्चुअली दरअसल कहानी आमिर को मिली थी uh, आमिर एक स्क्रिप्ट uh, कंपटीशन के जज थे uh -huh. जूरी में थे राजू हिरानी अंजुम राजा बली और आमिर और uh, ये स्क्रिप्ट सबमिट हुई राइटर थे विप्लव गोस्वामी राइटर हैं और तब ये स्क्रिप्ट का नाम था टू ब्राइड्स और uh, आमिर ने घर आकर कहा कि के आव अमेजिंग स्टोरी क्या बात है सुपर स्टोरी और एक लाइन में उन्होंने सुनाया कि दो दुल्हन जा रही हैं घूंघट पहने हुए ट्रेन में ट्रेन में और रात का वक्त है दूल्हा लड़की का हाथ पकड़ के घर ले जाता है और जब घूंघट खोलते हैं तो देखते है, कोई और है तो मैंने कहा फिर फिर क्या हुआ सो आमिर वॉट इज़ दी ऑपोजिट ऑफ पेट्रिया की सो आमिर ने कहा मेटरिया की ऑपोजिट ऑफ पेट्रिया की इज इक्वालिटी क्या रहा कास्टिंग प्रोसेस कास्टिंग में एक बंदा है रोमिल और वो बहुत सोशल मीडिया पे ढूंढता है वो बहुत जगह जगह बात फैलाता है और लोगों के ऑडिशंस मांगता है और एक साल तक हम लोग ऑडिशंस देखते रहे एक्चुअली प्लीज टेल मी कि ये डायरेक्टर कैसी है सब लोग कहते हैं यार मेरी फिल्म में आमिर खान आ जाए कहती मुझे आमिर खान नहीं चाहिए ऑडिशन <laughs> की बात भी नहीं चाहिए मुझे रवि किशन चाहिए हाँ।, हाँ ना सब लोग पूछते हैं अभी मैं सोचती हूँ कि यार मिस्टेक तो नहीं कर दिया मैंने no, तो नहीं I... कर दी हमारा एक गाना है सजनी जो बहुत अभी ट्रेंड हो रहा है um, उसको लिखा है एक uh, प्रशांत पांडे नाम के uh, लड़के ने ही वर्क फॉर एक्सेंच बैंक समवेयर आई थिंक इन डेली और आमिर ने हमें एक कट दिखाया था जो चार घंटे की थी विदाउट द क्रिकेट घंटे 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 की। Without the cricket, Without चार the की। so, है है। वो <laughs> आमिर के पास है? इस नाम पर कैसे पहुंचे आप दोनों? और फिर आमिर के ग्रेट ग्रैंड अंकल भी तो मौलाना आजाद hmm. एक तरह से वहां भी कनेक्ट है लेकिन आई बिलीव वर्ड यू नो फिल्म बनाते समय ये लोड रहता है कि कह क्या, क्या, क्या रही है मैसेज क्या है हाँ <laughs> कैसी फिल्में पसंद कर रही ऑडियंस आजकल भाई यू नो फिल्म्स दैट आर मोर एक्शन एंड वीएफएक्स एंड थ्रिल्स एंड उस टाइट तरह की फिल्में हमारे स्टेशन पता नहीं ये लोग सब बहुत फैंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं देर एवरी इज फुल ऑफ क्रोम एंड यू नो न्यू टाइलिंग वो सब है तुमको तो पुराने स्टेशन चाहिए थे सो. बस यही क्लिप आपकी निकाली जाएगी <laughs> कि देखिए स्टेशन बढ़िया बन रहे हैं इनको इससे भी दिक्कत है आ, हाँ भाई बेटर नॉट कट कट नमस्ते मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है ये सिनेमा अड्डा है जिसमें आज की मेहमान कुछ खास हैं उनके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम लापता लेडीज के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि हैं तो बहुत सारी औरतें कुल जमा कहें तो पचास फीसदी के लगभग तो होनी ही चाहिए जब इससे कम होती हैं तो कैंपेन शुरू हो जाता है ये हमें नज़र आती हैं बसों में ट्रेन में बाजार में दिन के उजाले में खेतों में प्रयोगशालाओं में ये हमें नज़र नहीं आती हैं जब होते हैं फैसले तब भरपूर ये हमें दिखती हैं चौके के इर्द गिर्द मेज़ के इर्द गिर्द गलियारों में लेकिन बहसों में कुछ कम नज़र आती हैं कुछ कम नज़र आती हैं देश की संसद में या यहाँ जो मैं बैठ के भाषण दे रहा हूँ लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में यहाँ पर भी बहुत सारी जगहें हैं बहुत सारी गुंजाइशें हैं बहुत सारी कदम ताल करनी हैं ताकि लेडीज़ कुछ भी हो खिलखिलाएं घुटने छिलाएं आगे बढ़ें हाँफें अपने हिस्से की सफल और असफल हों लेकिन लापता ना रहें एक घूंघट के नीचे भर अपनी पहचान के इंतज़ार को टटोलती भर ना रहें कि उनकी अदला बदली का पता तब चले जबकि आरती का थाल आए क्योंकि बात सिर्फ पूजने की नहीं है बात सिर्फ और सिर्फ बराबरी की है लापता लेडीज़ एक फिल्म है जो एक मार्च को आई है सिनेमाघरों में चल रही है और उसको बनाया है डायरेक्टर किरण राव ने बहुत बहुत स्वागत है वाह थैंक यू थैंक यू बहुत खुश हूँ यहाँ आकर क्या बात है कैसे कहा आपने सब एक लाइन में कह दिया आपने हमारी सारे हमने चार साल लगाए ये कहने हमारी फिल्म एक्चुअली हम हमने अपने इर्द गिर्द किरण uh, जिन लड़कियों को जिन औरतों को देखा है वो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पिट्ठू बैग में दो पोटलियां हैं एक पोटलियां जिसमें खूब सारे उन्होंने सपने रखे हैं खूब सारे संघर्ष रखे हैं और जो कुछ हासिल किया है जैसे इस न्यूज रूम में भी सबकी अपनी कहानियां हैं दूसरी पोटली है जो मुझे अपनी माँ के बैग में मिलती है अपनी चाचियों के बैग में जिसमें वो बहुत कुछ कर सकती थी क्योंकि उन्होंने अपने जमाने में खूब पढ़ाई की थी डिस्पाइट ऑल ऑर्ड्स लेकिन वो अपने पाओ पे नहीं खड़ी हो पाई उतनी चॉइसेस उनको नहीं मिल पाई hmm. तो एक में सफलता की कहानियां हैं और एक में वो जो अधूरा रह गया पर उनको भी इसलिए देखते रहना है क्योंकि ये अभी सिलसिला चल रहा है hmm. इसलिए मैंने कहा मतलब एवरी डे वी डील विद इट एंड इज वाई वी आर वेरी ग्रेटफुल आई एल नॉट से एज अ मैन आई एल से ह्यूमन बींग क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ औरतों और आदमियों की है नहीं सारे जेंडर्स की लड़ाई है बिल्कुल दैट यू मेड अ फिल्म जिसके जरिए नए सिरे से, से इस पे बात हो रही है कहानी आप तक कैसे पहुंची ये बता दीजिए एक्चुअली दरअसल कहानी आमिर को मिली थी uh, आमिर एक स्क्रिप्ट कंपटीशन के जज थे uh -huh. जूरी में थे राजू हिरानी अंजुम राजा बली और आमिर और uh, ये स्क्रिप्ट सबमिट हुई राइटर थे विप्लव गोस्वामी राइटर हैं और तब ये स्क्रिप्ट का नाम था टू ब्राइड्स और uh, आमिर ने घर आकर कहा कि के एव अमेजिंग स्टोरी क्या बात है सुपर स्टोरी और एक लाइन में उन्होंने सुनाया कि दो दुल्हन जा रही हैं घूंघट पहने हुए ट्रेन में ट्रेन में और रात का वक्त है दूल्हा लड़की का हाथ पकड़ के घर ले जाता है और जब घूंघट खोलते हैं तो देखते है कोई और है तो मैंने कहा फिर फिर क्या हुआ तो ये ऐसे शुरू हुई कहानी क्योंकि ऐसा एक हुक ये स, इस कहानी में बैठ जाता है कि कौन है ये लड़की जो वो घर लाया है वो जिसको वो छोड़ आया है वो क्या कर रही होगी ये कहानी मुझे बहुत तो फिर इसके बाद हम लोगों ने डेवलप किया आ, और राइटर्स लाए हाउ डज दैट वर्क प्लीज एक्सप्लेन दैट प्रोसेस सो बिप्लब की कहानी वॉज अ लिटिल मोर रियलिस्टिक उनकी कहानी आ, ड्रामा के मोड में थी और मुझे लगा कि इसमें जो एक व्यंग्य हास्य का जो पोटेंशियल है वो हम और थोड़ा निकाल सकते हैं इसमें से तो वी ब्रॉट ऑन अ राइटर वो गुजराती थिएटर की राइटर हैं स्नेहा देसाई और वो टेलीविजन में भी उनका बहुत नाम है तो टीवी में लिखती हैं तो शी के ऑन एज अ स्क्रीन राइटर और उन्होंने पहला जो है एक शी कैन ऑफ मेड अ न्यू स्क्रीन प्ले आउट ऑफ हिज स्टोरी और फिर दिव्य निधि शर्मा नाम के एक राइटर हैं जिनको हम लाए थे एक्चुअली लैंग्वेज हमें थोड़ा और कॉन्वर्सेशनल और ये भोजपुरी हिंदी का एक थोड़ा मिश्रण है जो हमने अपना ही कुछ बनाया हुआ है तो उसको ज़रा सा स्मूथ ठीक बनाने के लिए दिव्य निधि को लाया तो उन्होंने मनोहर जो रवि किशन प्ले करते हैं जो पुलिस का किरदार है उनका पूरा वो उन्होंने रीबिल्ड किया पूरा नए नए सिरे से बनाया मनोहर को आ, बहुत मज़ेदार किरदार बनाया उन्होंने तो ये एक्चुअली लगा हमें सात आठ महीने लगे पहला ड्राफ्ट बनाने और फिर दिव्य निधि आए तो एक दो महीने उसमें गए Uh, 2021 की बात है तो uh, नहीं 2020 की बात है लॉकडाउन जी लॉकडाउन फेज जूम पे खूब सारी स्क्रिप्ट uh, सेशंस हुए um, और करते करते ऑफ़ कोर्स बाय 2021 जब तैयार हुए तो सेकंड वेव आ गया पर mm. हाँ काफ़ी वक्त लगता है टू गेट टू द राइट स्क्रिप्ट एटलीस्ट फॉर आस हम हम लोग रीडिंग्स uh, करते हैं आमिर बहुत इनवॉल्व uh, हो जाते हैं स्टोरी स्क्रिप्ट uh, के फेज में व्हेन यू सेड बहुत इनवॉल्व हो जाते हैं पीपल हु नो हिम ही सेड कि वो कुछ ज्यादा ही इनवॉल्व हो जाते हैं <laughs> वो अंडरलाइन <underline laughs> कर देते हैं उस लाइन को <laughs> हां वो ए, जब इनवॉल्व होते हैं तो पूरे डूब के अंदर तक चले जाते हैं तो जब तक आ, वो खुश नहीं है तो हर एक नुक्ते पे उनका एक वो आता है कि हाउ डू यू एज अ प्रोड्यूसर He is very good as a. The good thing is that once he trusts you, तो फिर आपको खेलने देते हैं अपने हिसाब से जब एक आप स्क्रिप्ट उनको अगर ठीक लगी और कास्टिंग उनको ठीक लगी तो उसके बाद आप कुछ जैसे भी बनाएं बजट के अंदर बनाएं लेकिन उसके बाद खुली छूट दे देते हैं कि आप अपने इमेजिनेशन से आपके जो आइडियाज़ हैं वो आप दर्शाएं ठीक से वो तो वैसे नहीं करते नहीं, जैसे हमने कुछ प्रोड्यूसर्स के बारे में सुनाया नॉट ऑल कि ये सैंडविचेस एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं ये दो इनोवा एक्स्ट्रा क्यों लग रही हैं प्लीज टेल है प्रोडक्शन वो इतने उसमें नहीं घुसते ब्रॉडली उनको ठीक लगता है एक तो ठीक है बट एडिटिंग uh, में बहुत घुसते हैं ही uh, जबीन मर्चेंट हैं शीजन एफ टी आई आई ग्रेजुएट एडिटर उन उनका एक्चुअली वो सबसे मुश्किल पीरियड तो एडिटिंग का रहता है क्योंकि ये, इस, इस फिल्म में हमने काफ़ी सारे मुद्दों पर थोड़ा मुद्दों को टच किया सटल तरीके से पर सटल बनाने में बहुत वक्त गया क्योंकि लिखा हमने खूब सारा था पर जब आप देखते हैं तो लगता है कि भाई ये ऑलरेडी कह चुके हैं या फिर ये समझ जाएंगे लोग तो कटते कटते ढाई घंटे की फिल्म दो घंटे पे हम आ, ले आए सात so, नाम थोड़ी लेगी और तब तक वो नाम हाँ, ले रही तो जल्दी कट मारने एकदम हाँ, हाँ, हाँ। तो एक्चुअली उसको स्मूथ और एक्चुअली लाइन के अंद, अंदर के भी वर्ड्स निकालती है जबीन। to, like, you know, जब कभी उसका, उनको लगता है कि इस, इसका जो लेवल है जो बैलेंस है कम हो सकता है या ज्यादा तो hmm. उसमें बहुत आ, अच्छी एडिटर हैं uh, किरण की एम सी आर सी की ट्रेनिंग कैसी रही खूब मजे किए एक्चुअली आई डोंट दो साल कैसे गए मुझे भी याद नहीं है आई एम नॉट श्योर हाउ मच आई लर्न बिकॉज वी यू हैविंग अ ग्रेट टाइम बट एक तरह से एक uh, फिल्मों में दो साल तक uh, इमर्स रहना डूबे रहना और फिल्म फिल्म्स देखना उनके बारे में चर्चा करना डिबेट करना एक तरह से इतना प्रिवलिज लाइफ है mm -hmm. uh, मैं सोचती हूँ कि दो साल Uh, मुझे यू uh, नो you know, कभी-कभी लगता है कि आई शुड हैव मेड मोर थिंग्स उस जमाने में तो इंटरनेट था नहीं कैमरास बड़े से रिक्विजिशन करने पड़ते थे तो यू कुडंट हैव मेड अ लॉट लेकिन यू हैव टू स्पेसिफाई टू योर व्यूअर्स कि कौन सा जमाना <laughs> 90s की बात हो रही है लेट 90s लेट 90s जब जब डायनासोर वॉक द अर्थ उस वक्त की बात है <laughs> तो हां तो मजे खूब किए लेकिन uh, सीखा भी काफ़ी कुछ वी हैड अ वेरी वंडरफुल लिबरल सेट ऑफ़ टीचर्स हूँ प्रोफेसर्स हूँ रियली गेव आस अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन यू नो सॉरी फिल्म अनैलिसिस फिल्म क्रिटिक अंडरस्टैंडिंग दी इमेज यू नो मज़ा मज़ा बहुत आया है आई हैड अ वंडरफुल टाइम दिल्ली शहर ही इतना तब तो to of course I used to take buses, which was in itself an adventure. कि पता नहीं कहाँ ग्रो अप हो जाएंगे आप कहाँ पे आपको यू नो खींच लिया जाएगा इट वॉज़ अ क्वाइट अ टाइम डेली इन द नाइंटीज इट वाज नॉट वेरी ईजी टू लिव इन अ बरसाती एंड ट्रेवल एवरी बस तो आई हैव हैड माई शेयर ऑफ फन डेली मेमोरीज लकली कभी यू नो वी वी यूज टू ट्रैवल इन ग्रुप्स सो कभी कभी यू नो वी वी वेरी केयरफुल बट थिंग्स हैव चेंज्ड आई एम हैप्पी टू से

एक्सपीरियंस uh, की वो एक जगह गए जहाँ पे uh, उन्होंने जो उनके इर्द गिर्द रहता है उसको छोड़ दिया एंड देन एंडर और कैसे उसने उसको पुश किया हाथ मरोड़ दिया बिकॉज शी इज ट्रेंड लाइक दैट तो यस yes, चीजें बेहतर हुई हैं पर पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगेगा बहुत वक्त लगेगा इसीलिए लापता लेडीज जैसी फिल्में बन रही हैं बिकॉज ऑनेस्टली आई फील औरतों को सशक्त बनाने में कुछ हम जितना कर सकते हैं करेंगे बट आई फील नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू ऑल्सो बेसिकली डील विद आ मैन बिकॉज नहीं तो कुछ चेंज होगा नहीं यू नो वी नीड टू बिकॉज उनकी भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं कल मैं एफ टी आई में एस आर एफ टी आई में मैंने फिल्म दिखाई तो एक एक महाशय सामने कोल थे, थे कोलकाता में सत्यजीत रे के नाम पे ये संस्थान है फिल्म मेकिंग सिखाता है बंगाल में और आ, उनको बहुत अच्छी लगी फिल्म उन्होंने कहा दहेज प्रथा पे आपने आ, मतलब वो इतने सारे मुद्दे आपने छेड़े हैं बहुत अच्छा है लेकिन मर्दों की बहुत समस्याएं हैं खुद हैं आप मर्दों की समस्याओं पे कब फिल्म बनाएंगी <laughs> तो मैंने कहा मैं एक्चुअली आई वुड लव टू ऑनेस्टली ज़रूरी है कि हम समझें बिकॉज वी आर दोनों हाथ से बजनी सेक्सिज्म का जवाब रिवर्स सेक्सिज्म नहीं है रिवर्स एक्सेप्ट नहीं कमला बसीन एक्चुअली हमारे सत्य में जहते पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही आमिर से शी वॉज ऑन द शो और उन्होंने कहा कि सो आमिर वॉट इज द ऑपोजिट ऑफ पेट्रिया की सो आमिर ने कहा मेट्रिया की तो उन्होंने कहा नहीं दिट ऑफ पेट्रिया की इज इक्वालिटी इट्स द ओनली वे यू कैन काउंटर एक्ट पेट्रिया की इज इफ यू आर इक्वल वी कैंट रिप्लेस इट विथ अनदर फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम इंबैलेंस। इंटरेस्टिंग सेवेंटीज 80s कलकत्ता बहुत बहुत ही अलग था बहुत ही सुंदर था बहुत uh, मेरे अच्छे मेमोरीज हैं uh, एक तरह से भी वर लकी मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ लेकिन वहाँ Uh, क्या करते थे आपके माता मेरे uh, मेरी माँ टीचर थी इन अ स्कूल लोरेटो एलियट रोड और मेरे फादर गेस्टकिन uh, विलियम्स नाम के का एक कंपनी हुआ करता था ब्रिटिश के ज़माने का एक आयन एंड स्टील कंपनी तो वो उसमें मार्केटिंग के uh, का काम करते थे तो एक्चुअली um, वो उस जमाने में एक्चुअली अभी भी कलकत्ता में आपको काफ़ी सारी ऐसे uh, ऐसी चीज़ों में का एक्सेस मिल जाता है पैसों के ना होने पर भी जैसे हम क्लब्स क्लब्स होते हैं ऑफ कोर्स यू हैव टू बी ए मेंबर ऑफ द क्लब लेकिन स्पोर्ट्स या फिर कल्चर या ऐसी चीज़ें ना सब सबको मिलती हैं यू हैव एक्सेस टू म्यूज़िक पोइट्री थिएटर जो अब कई कोई और शहर में सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों को एक्सेस मिलता है इन सब चीज़ों का तो वी वर लकी वी गॉट वी वर एबल टू यू नो पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पॉर्ट म्यूजिक कलकत्ता है ही बहुत अच्छा शहर उस हिसाब से हर घर में रविंद्र संगीत यू नो लोगों का एक तरह से इंटरेस्ट इन दी आर्ट्स नॉट जस्ट इन मनी एंड सक्सेस डिफाइंड बाई हाउ विच का यू ड्राइव मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि किरण की पॉलिटिकल या जेंडर सेंसिबिलिटी जो है वो कैसे डिराइव हुई यू अ तेलंगाना कनेक्शन एक्चुअली नो आई एम फ्रॉम कर्नाटका लोग कहते हैं कि हम uh, तो आपके दादाजी इलेक्शन लड़े इसलिए मेरे एक्चुअली वो मेरे ग्रैंड आंट के हस्बैंड थे अब नहीं रहे बट uh, वो राजा थे वनपत्ति के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में पर मेरी ग्रैंड मे, ग्रैंड आंट जो मेरे ग्रैंडफादर की बहन थी उनसे जब शादी वो एक्चुअली अ वेरी अनयूजअल शादी ऑफ द टाइम बिकॉज दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फिफ्टीज तो मेरी ग्रैंड आंट और उनकी जब शादी हुई शी इज़ फ्रॉम मैंगलो मैंगलोर साइड कोंकणी स्पीकिंग जी तो मेरी माँ इज फ्रॉम वो कोस्टल बेंगलोर साइड से हैं mm -hmm. कोंकणी कोंकणी। वाले। मैं कलकत्ता में बड़ी हुई हूँ सो आई डोंट अ तेलंगाना कलेक्शन कनेक्शन सब लोग कहते हैं कि शी इज ब्लू ब्लडेड रॉयल फैमिली ऐसा कुछ नहीं है रिश्तेदारों का नाम लेके। वाज दैट काइंड ऑफ ऑफ द फर्स्ट पीपल टू गिव हिज टाइटल

हम लोग जिस जमाने में हैं उस जमाने में पास्ट को नए नए ढंग से रिविजिट किया जा रहा है hmm. पर व्हेन आई से दिस सेंटेंस मुझे लगता है कि हर जमाने में ही किया जाता है यू सेड गांधीयन प्रिंसिपल्स 2024 एंड द इश्यूज वी हैव अराउंड इस तरह के प्रिंसिपल्स हमारे कितने काम आते हैं ऑलवेज काम आएंगे इस तरह के प्रिंसिपल्स इट्स वी नीड देम नाउ मोर देन एवर गांधी लिव्ड बाई प्रिंसिपल्स, प्रिंपल्स डाइड बाय इज़ प्रिंसिपल्स, आई मीन ही वॉज द काइंड ऑफ पर्सन हु अब मुझे लगता है कि जब आप व्हेन यू बिलीव इन द वे ही डिड इन ट्रूथ एंड एकटी आई थिंक दैट्स अ प्रिंसिपल जो कभी आउट ऑफ फैशन हो ही नहीं सकता और अब उसकी ज़रूरत बहुत ही गंभीर है बहुत ज़्यादा गंभीर ज़्यादा जरूरी है अब फिल्म hmm. बनाते समय ये लोड रहता है कि क्या है, क्या, है, क्या रही है मैसेज क्या है हाँ थोड़ा बहुत तो रहता है यू वॉन्ट टू मेक अ फिल्म दैट इज ऑफ सम वैल्यू जो जो कि लोगों तक पहुँचे और कुछ करे लाइक यूर नॉट गोइंग टू जस्ट हैव अ फिल्म क्योंकि फिल्म बनाने में कितने साल जाते हैं कितना मेहनत hmm. कितनी मेहनत जाती है इट्स नॉट इट्स वन ऑफ़ द मोर सॉर ऑफ़ लेबर इंटेंसिव थिंग्स इट लुक्स वेरी सिंपल और लगता है कि सब नाच गाना है बहुत ग्लैमरस है लेकिन इट्स हाईली लेबर इंटेंसिव हाईली लॉन्ग ड्रॉन आउट एंड कॉम्प्लेक्स तो hmm. उसमें अगर आप दो तीन चार साल बाद आपने एक आइटम अच्छा गाना बना दिया चलो ठीक है वो रह जाएगा सालों साल hmm. लेकिन अगर आप कुछ कह सकते हैं उसके थ्रू तो फिर अच्छा ही है ना नहीं तो आपके सारे चार साल ऑल योर डूइंग इज वेटिंग फॉर अ बॉक्स ऑफिस हिट एंड दैट सिट इट्स फॉर वो प्रेशर रहता है बॉक्स ऑफिस हिट का प्रेशर रहता है yeah. जो कि मेरे फिल्म में प्रेशर ऑफ़ कोर्स है क्योंकि कोई नॉन एक्टर्स है ही नहीं uh, क्या रहा कास्टिंग प्रोसेस कास्टिंग में एक बंदा है रोमिल और वो uh, बहुत uh, सोशल मीडिया पे ढूंढता है वो बहुत जगह जगह बात फैलाता है और लोगों के ऑडिशंस मांगता है और uh, एक साल तक हम लोग ऑडिशंस देखते रहे एक्चुअली नहीं आठ आठ नौ महीने होंगे इट वॉज इन दैट ईयर ऑफ़ कोविड और um, बस जगह जगह से आए ऑडिशंस uh, एक्चुअली इस फिल्म में एक बहुत सारी चीज़ें वी गॉट फ्रॉम वेरी डिफरेंट प्लेसेस हमारे लिरिसिस्ट्स भी हमारी जो एक हमारा एक गाना है सजनी जो बहुत अभी ट्रेंड हो रहा है um, उसको लिखा है एक uh, प्रशांत पांडे नाम के uh, लड़के ने ही वर्क्स फॉर एक्सेंचर बैंक समवेयर आई थिंक इन डेली और वो भी, गाना आप तक तो कैसे पहुंचा हाँ तो हमारे जो म्यूजिक कम्पोजर हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं ही काइंड ऑफ इन पोएट्री सर्कल्स वो बोल रखते हैं कि ये सिचुएशन है आप भेजिए तो लोग भेजते हैं उनको अपने मतलब काम के बीच में कुछ लिख के भेज देते हैं एंड इफ इट्स गुड ही And, uh, he's got some fantastic songs from unusual people hmm bahut uh, बहुत unusual हमारे actually film में एक ही स्वानंद किरकिरे जाने माने लिरिस्ट हैं बाकी प्रशांत पांडे दिव्य निधि शर्मा दोनों lyricist नहीं है इनके इनका पहला गान music में कैसे involved रहते हो आप म्यूजिक इज आई मीन इस फिल्म में हमको थोड़ा सा रास्टिक फोक एलिमेंट्स चाहिए थे लेकिन इन more अनयूजल फन वे तो मैं कैसे इन्वॉल्व हो जाती हूँ वी राम एंड आई वर्क रियली वेल टुगेदर राम का एक मेथड है जो वो फ़िल्म वो सुनते हैं और फिर वो कुछ आइडियाज़ ऐसे स्टूडियो में बनाते हैं और एक जो उन उनका पहला गाना था धीमे धीमे जो अभी ला ए, फिल्म के एंड में आता है उन्होंने पहले बनाया और uh, बहुत ही खूबसूरत गाना है एंड एक्चुअली इज़ समेशन ऑफ ऑल द आइडियाज ऑफ द फिल्म तो वो वो उन्होंने हमारे रेकी से पहले बना दिया था तो एक तरह से साउंड हमें विजुअल कैप्चर करने से पहले जब मिलता है तो एक सिनेमाटोग्राफी uh, हमारे पूरे सीन बनाने में एक uh, बहुत हेल्प हो जाता है तो आई टुक दैट दैट सॉन्ग टू इवन रेकी एंड यू नो शूट टू सो वी शूट किया था शूट की हमने जो विलेज पार्ट है हमने एमपी में शूट किए सीहोर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक दमनखेड़ा एंड बंगोलिया बंगोलिया एंड दमनखेड़ा हाँ तो ये भोपाल से एक घंटे की दूरी पे दो गांव हैं पंचायत है। भी उसी एरिया में शूट हो रही है हाँ। सीरीज। इन दैट हमारा पीटली लाइफ भी वही एम पी में ही शूट हुई थी पर सारे ट्रेन हमने नाशिक में शूट किए दो स्टेशन्स में hmm. योला और कानेगांव क्योंकि ये 2001 का जो चक्कर है वो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ना पूरी तरह से पीरियड है और ना पूरे तरह से मॉडर्न uh, है और हमारे स्टेशन्स पता नहीं ये लोग सब बहुत फैंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं देर एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ क्रोम एंड यू नो न्यू टाइलिंग वो सब है तो उनको पुराने स्टेशन चाहिए थे पिछवाट सो so? <laughs> बस यही क्लिप आपकी निकाली जाएगी <laughs> कि देखिए स्टेशन बढ़िया बन रहे हैं इनको इससे भी दिक्कत है हाँ हाँ भाई बेटर नॉट कैंसल नहीं बट पीरियड बनाने जाए तो मुश्किल हो जाती है ना फैंसी hmm. ऐसे नए नए स्टेशंस कैसे दचाएँ तो और कुछ ऐसे स्टेशन है महाराष्ट्र में जो बहुत ही ब्रिटिश इरा स्टे, के स्टेट के स्टेशन है जैसे, जैसे आ, जहाँ खंडाला भी वैसा है और देवलाली देवलाली बहुत सुंदर स्टेशन है इट्स इट्स अ लाइक अ पीरियड स्टेशन जहाँ आई थिंक जब भी मैं शूट हुई थी hmm. uh, खंडाला में um, तो वहाँ बहुत आर्चिज वाले यू नो प्लेटफॉर्म्स पे कॉरिडोर्स uh, आर्चिस प्लांट्स बहुत सुंदर अभी भी है बहुत अनरियलिस्टिक फिल्म सेट ही लगता है वो hmm. uh, पर है बहुत खूबसूरत क्या रहता है आपका शूटिंग का स्टाइल वन गो हाँ स्टार्ट टू फिनिश स्टार्ट टू फिनिश वन गो स्टार्ट टू हमारी छोटी फिल्म है एक्चुअली यू कॉन्ट अफोर्ड टू कीप क्रू फॉर वेरी लॉन्ग तो वी स्टार्टेड इन जैन एंड वी फिनिश्ड बाई मार्च और कोविड का दौर था ओमिक्रॉन सो इट वॉज क्रेजी हमारे यू नो रेलवे स्टेशन के परमिशन फिक्सड थे और मेरे डी ओ पी को कोविड हो गया जस्ट द डे बिफोर शूट तो नए डी ओ पी को लाओ फिर शूट करने जाएँ तो कोई कास्टिंग कोई एक जो किरदार है उसको कोविड हो गया तो रीकास्ट करो एक दिन में बॉम्बे से टेस्ट करा के किसी को लाओ इस तरह से हुई है थोड़ी आ, जुगाड़ू स्टाइल में पहली बार ये फिल्म बनने का प्रोसेस लास्ट मिनट चेंज व्हाट वाज योर फर्स्ट एनकाउंटर पहली फिल्म जिसको आपने असिस्ट किया हो जब इस असल दुनिया को देखा हो पर्दे तो खूब देखा है हमने फाइनल शॉट मे, मेरी पहली फिल्म तो लगान थी सो माई फर्स्ट टाइम ऑन अ फीचर फिल्म सेट हम भुज पहुँचे ऑन द थर्ड ऑफ जनवरी 2000 थाउजेंड शूट आठ को शुरू होने वाली थी या पाँच को आई फो गेट हाँ तो हम ट्रेन से गए बॉम्बे टू गांधीनगर अच्छा हाँ गांधीनगर hmm. नगर गांधी धाम गांधी धाम शायद गांधी धाम गए होंगे आप जहाँ से कच्छ का इलाका शुरू होता है गांधी धाम जी और फाफड़ा और जलेबी खाए सुबह सुबह स्टेशन पर और फिर गए इंटू द वाइल्ड ऑफ कच्छ इट वॉज जस्ट इनक्रेडिबल छः महीने रहे वहीं वहीं क्या करती थी क्या जिम्मेदारी थी मेरी थी जिम्मेदारी थी आई वॉज एन एडी आई वॉज अ थर्ड एडी वॉट वी ऑल्सो कॉल सेकेंड सेकेंड या तो आप थर्ड ही मान लीजिए एक्टर्स uh, को मेकअप हेयर वार्ड्रोब से आपको किसी तरह से निकालना है और हमारे लगान में इतने सारे टू क्रिकेट टीम्स प्लस ऑल द विमेन इन लाइक हैडोज एंड बिग स्कर्ट्स एंड मतलब सबके दाढ़ियाँ सबके पगड़ी एक आ, बिल्कुल नाइटमेयर था तो मैं चार साढ़े चार बजे पहुंचने से पहले वॉकी पे बोलना पड़ता था कि पुट ऑन द टोस्टर बहुत सर्दी थी वहाँ और पुट ऑन द हीटर और टोस्ट क्योंकि हमारी एक्ट्रेस को एक लीड एक्ट्रेस को जो एलिजेथ नहीं अच्छा। English उसको factors. हाँ उसको टोस्ट चाहिए था फर्स्ट इन द मॉर्निंग तो पहुँचते पहुँचते वॉकी क्योंकि ट्रे फोन्स तो थे नहीं डेंट हैव वॉकी टॉकी आई फोन एक्चुअली पकड़ता था जहाँ मंदिर है ना लगान में ऊपर वो हिल पे हमारे प्रोड्यूसर हर वक्त राव साहब वहाँ खड़े होके फोन्स करते थे ये जो सेकेंड uh, या थर्ड एडीज होते हैं थोड़ा सा उनको ये फ्रस्ट्रेशन रहता हो यार क्या पढ़ के आए हैं और ये क्या काम कर रहे हैं बिल्कुल मैं तो मेकअप uh, रूम में बैठी हुई थी फॉर ऑल दैट टाइम और मैं मैंने कहा यार मास्टर्स इन मैथ कम्युनिकेशन जामिया से आई हूँ लेकिन नहीं इट वॉज़ इट्स यू हैव टू फाइनली एवरी वन हैज टू डू देर आवर्स ऑफ वॉट यू कॉल योर टाइम ऑन द इन ऑल दीज वेरियस प्लेस तो नहीं नहीं मज़ा ही आया पर मुश्किल तो ये है कि यू होप कि कभी ना कभी मैं मेकअप रूम से निकल कर मोनिटर के पास आ जाऊँ और मैं वहाँ थोड़ा यू नो यू इमेजिन कि हम एटलीस्ट शूट देख पाएंगे लेकिन मैं मेकअप रूम ही में बैठी हुई थी मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज इनको भेजो फिर किसी और को यू नो किसी कोई और वापस आता है तो फिर इनको भेजो इट वॉज़ अ ये पर एहसास था जब आप लोगों ने फाइनल कट देखा कि ये बड़ी की फिल्म बन गई है आगे आने वाले कई बरसों या दशकों तक इसका रेफरेंस दिया जाएगा आज भी उसके मीम इस्तेमाल होते हैं नहीं बिल्कुल एहसास नहीं था एक तरह से एक्चुअली वेन वी आमिर ने हमें एक कट दिखाया था जो चार घंटे की थी विदाउट द क्रिकेट चार घंटे की विदाउट द क्रिकेट द क्रिकेट सो प्री क्लाइमैक्स चार घंटे so, कहा है वो टेप <laughs> आमिर के पास है और हमें अ स्मॉल सिनेमा तो ये तो फिल्म पे शूट हुई है इट अ स्मॉल प्रीव्यू थिएटर और हम लोग सब इनफैक्ट फैल के बैठे थे जमीन पर भी बैठे थे वी वी वर लाइक हाउ आर गोइंग टू दिस फिल्म कट के छः घंटे की बनेगी एटलीस्ट कैसे किसी कट काट काट, काट के थ्री आवर्स फोर्टी टू मिनट्स हमारे पाँच दिन की क्रिकेट हमने शूट की है hmm. और है अभी फाइनली तीन दिन शायद कि दो दो पूरे दिन का इरादा है उस पूरे टेप को रिलीज करने का बात होती है अभी तो पच्चीस तो साल बाद आई डों शायद थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है लेकिन मैं मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ मेरा ध्यान बार बार आपकी दाई कलाई की तरफ जा रहा है वो हाँ। टैटू बना है जी ये आ, जी हाँ ये मेरा नाम है के इन मॉस कोड हाँ, ये आई है मेरे कुछ डॉग इज कॉल्ड इमली तो आजाद को बहुत दिल था कि टू डॉट्स आई इन मॉस यस तो

तो मैंने कहा कुछ एंड आई लव ट्रैवलिंग तो एक गाड़ी की क्लियरली बिकॉज द वे यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेन्स एंड एवरी तो वो समझ में आता है मैं थोड़ा सा आ, फिल्म का बेस रख के आ, इसी मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि किरण राव हैज़ टू टेल गर्ल्स और अब आपने वो सीहोर की लड़कियाँ भी देख ली हैं कलकत्ता की भी मुंबई की भी दिल्ली की भी ना सब तरह की अलग अलग स्ट्राटा की क्या वो होंगे कि डू दिस hmm. आपको क्या सलाह मिली एक हाँ, और आप think, और आप क्या देना, think एक मैं देना चाहती हूँ कि आ, आ, गिव योर सेल्फ मोर टाइम गिव योर सेल्फ मोर लव सेल्फ लव और एक तरह से अपने लिए जगह बनाना जिस जहाँ भी आप हैं अगर आप घर में हैं आपकी उम्र कुछ भी हो अपने लिए वक्त निकाल एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा हाँ एग्जाम्पल्स ये है कि Uh, मैं अपने uh, मैं जब बड़ी हो मैं बड़ी हो रही थी मेरे फादर को ट्रैकिंग का बहुत शौक था okay. तो वो चले जाते थे विदाउट एनी कंसिडरेशन की क्या मतलब नॉट वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे उसके नहीं, नहीं, कलकत्ता से? वो कलकत्ता से ही वो जाते थे हिमालय उनका एक रहता था कि मैं अपने लिए दो हफ्ते मैं जाऊँगा टू द माउंटन्स या दस दिन जो भी था क्योंकि उस टाइम तो ट्रेन से जाना वगैरह तो वो दस दिन मैं अपने लिए Uh, hmm. रखने वाला हूँ साल में जब मैं जाऊँगा हिमालय विच वॉज़ अमेजिंग आई एम लाइक दैट नाउ लेकिन मेरी माँ को कभी वो नहीं मिला वो जो दस दिन आप अपने लिए निकालना चाहती हैं हम hmm. सब माँ माँ को देख लीजिए कभी आपने देखा है कि माएँ घर hmm. छोड़ के अपने लिए छुट्टी मना लें hmm. अपने लिए कुछ करें कि मैं जा रही हूँ अकेले hmm. और मज़े करें कि जो भी करना है तो वो दोस्तों मैं कहता सोलो ट्रिप गो फॉर यू नो टेक टू टू वीक्स आउट वे मेरे फादर फोन तक नहीं कर पाते थे क्योंकि उस जमाने में तो था ही नहीं सेवेंटीज एटीज की बात है तब तो जहाँ वो जाते थे यू you नो know, केदारनाथ बद्रीनाथ जहाँ भी चले जाते थे तो uh, मेरी माँ वो जस्ट वेट करती थी कि आई होप कि ठीक से वापस आ जाए पर उनको कभी ये ख्याल शायद नहीं आया कि मैं भी जाऊँ मैं भी दस दिन अपने अपने आप गुजारूँ जो मैं मुझे करना है करूँ एंड देट्स माई सलाह मुझे मेरी सलाह ये है कि अपने लिए वक्त निकालिए अपने बारे में सोचिए थोड़ा अपने बारे में बाकी लोगों से पहले सोचिए नहीं तो ऑलवेज़ आप अपने आप okay. को लास्ट रखती हैं औरतें सबको सबका ख़्याल पहले करना और जो जो कुछ बचा गुचा खाना है खा लेना या फिर जो भी वक्त hmm. मिलता है रात को सब सो गए तो बुक पढ़ते हैं जो भी है कभी ये नहीं है कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो मैं दो घंटे पढ़ने वाली हूँ तुम लोग जो करना है करो मेरा ये वक्त है you अपने लिए आई डू दैट I do that. I take time almost every. आजाद को पता होता कि इन दो घंटे मम्मा के आसपास नहीं आना। जब मैं हूँ बॉम्बे में तो मैं 100% परसेंट हूँ मैं सबके साथ हूँ पर मैं चली जाती हूँ अकेले। Me time. Me time. On holidays. बॉम्बे में रहके भी मैं वक्त निकाली लेती हूँ but but यू you नो know, हर, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किल हो जाती है औरतों को इतनी सारी जिम्मेदारियाँ कैसे निभाए hmm. उसके बीच में दो घंटे अपने लिए होता नहीं है hmm. इसीलिए औरतें माँ की घर चले चली जाती है जैसे मेरी माँ भी समर व समर छुट्टी so नहीं आई वो उनको पता करना था कि कौन सी डेट की छुट्टी कब शुरू होती है मे मे दस को या बीस को hmm. टिकटें बुक होती थी और कोरोमैंडल एक्सप्रेस पे हम सब चढ़ जाते थे और फिर मेरी था आपका नाना घर बेंगलोर तो हम लोग मद्रास जाते थे और चेन्नई से फिर बैंगलोर <laughs> और यही सेकंड क्लास ट्रेन ट्रैवल की इतन का इतना कितने अच्छी यादें हैं एक्चुअली दो दिन अपने ही मन में आप बैठ के बाहर देखते रहिए नज़ारे ब्यूटिफुल इंडियन कंट्री साइड अलग अलग खाना हर स्टेशन पर रात को जब लाइटें शुरू आने ऑन हो जाने लगती हैं टिमटिमाती दूर और ऑलवेज ये ख्याल आता था कि क्या होती होगी सबकी ज़िंदगी इतनी अलग जगहों यू नो आप इतने अलग अलग जगह से गुजरते हैं जब तो, आपकी पहली फिल्म मैंने देखी दो बिगाड़ तब हम लोगों के दिमाग में भी यही आया एज अ व्यूअर कि यार ये भी एक लाइफ है वो एक कहानी आप तक कैसे आई वो एक्चुअली काफ़ी पर्सनल कहानी है मैं जब बॉम्बे पहले बार पहली बार आई तो हर ग्यारह ग्यारह महीने में आपको शिफ्ट करना पड़ता है रेंट के सिचुएशन ऐसे एक है, मसला तो रहता है एक मसला ये रहता है कि कभी एक जगह में टिक नहीं पाती थी और कहीं गए तो जो पुराने आ, मकान के किराएदार थे तो उनके आ, उनका कुछ सामान बचा पड़ा रहता था तो आई वुड ऑलवेज़ थिंक कि अगर मुझे ऐसा कुछ मिल जाए जो मुझे बताए कि कौन यहाँ रहा है उनके क्या सपने थे उनकी क्या लाइफ थी वॉट डू वॉट वो नो बिकॉज द हाउस वॉज ऑलमोस्ट वॉम फ्राम द लास्ट ऑक्यूपेंट यू नो तो वो कैसे रहे होंगे ये थोड़ा सा एक ख्याल था और मुंबई है ही ऐसे शहर जहाँ इतने सारे अलग अलग जो ज़िंदियाँ हैं वो एक तरह से जुड़ी जाते हैं यू डोंट हैव अ चॉइस वी आर चीक बाय जाउल विद सो मेनी काइंड ऑफ पीपल एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट सिटी तो इट्स अ इन सम वेज ट्रीब्यूट टू दिटी दैट मेड मी यू मेंशनिंग इट तो मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं जब भी किसी पुराने होटल या धर्मशाला के कमरे में होता हूँ वॉशरूम में hmm. तो शीशे के किनारे बहुत अलग अलग साइज की बिंदिया चिपकी होती yeah. हैं <laughs> मैं अक्सर सोचता हूँ कि किसी ने बेध्यानी में लगाई किसी को चेंज करनी थी कोई भूल गया oh, होगा निकालना सब ट्रांजिट में है सब ट्रांजिट में पर आपकी पहली से दूसरी फिल्म नहीं है इसका कोई जवाब भी नहीं है hmm. मैं जिंदगी जी रही थी मैं मजे ले रही थी एक्चुअली थोड़े थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड भी थी कि मैं लिख नहीं पा रही थी अपनी कहानियाँ अकेले लिखना मुश्किल होती है मुझे तो मैं आई एम नॉट अ ट्रेन राइटर तो मुझे लिखने में मुश्किल होती है लेकिन स्क्रीन राइटिंग एक स्किल है लोग सीखते भी हैं हम मैंने डायरेक्शन सीखी मैंने सिनेमाटोग्राफी भी सीखी लेकिन लिखना नहीं सीखा नहीं। आ, और धोबी घाट किसी तरह लिख ली मैंने पर उसके बाद ऑलवेज सेकेंड फिल्म का एक ये होता है कि हम इससे अच्छा क्या कर सकते हैं एक तरह से अपने आप पर हम प्रेशर डालना डालना शुरू कर देते हैं तो इसलिए शायद मैं खुश नहीं थी जिस जो मैं लिख रही थी उससे और फिर आज़ाद भी पैदा हुए काफ़ी कोशिशों के बाद तो 2011 में तो माँ का भी बहुत प्यारा नाम है। हाँ, हाँ, इस नाम पर कैसे पहुँचे आप दोनों मेरा आइडिया था वैसे हुँ. मुझे जैसे प्यारा नाम है इसलिए आई आई ऑलवेज लव द वट इट स्टैंड फॉर और फिर आमिर के ग्रेट ग्रैंड अंकल भी तो मौलाना आज़ाद हैं तो एक तरह से वहाँ भी कनेक्ट है लेकिन आई बिलीव द वर्ड

बहुत सारी मेमोरीज आती हैं, बहुत सारे मंत्र आते हैं दिमाग में करेक्ट मैं आ, जब आप ये अपना process बता रही कि मैं डायरेक्शन के लिए ट्रेंड हूँ काम भी किया है क्या फर्क दिखता ने? है आपको आशू की फिल्म मेकिंग में या जिन्होंने मॉनसून वेडिंग बनाई मीरा नायर उनकी फिल्म मेकिंग अपनी फिल्म मेकिंग में और जो आपके कंटेम्प्रेरीज है उनके हर एक डायरेक्टर की एक स्टाइल अलग होती है आ, आशु की एक एक्चुअली मॉनसून वेडिंग में आ, इतना मैं बहुत शॉर्ट शूट थी वो लेकिन आ, आशु की आशु बहुत घुस जाते हैं अपने कहानी में वो खुद लिखते हैं तो ये कहानी लगान उन्होंने खुद लिखी लिखी मैंने स्वदेश में भी उनके साथ काम किया वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड हैं और उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है आ, आ, बहुत सारे डायरेक्टर्स को हम आ, एज प्रोड्यूसर्स हम हम मैंने काम किया है विद लॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो आ, जैसे हमारे यहाँ ऑफकोर्स अद्वैत चंदन के साथ दो फिल्में की हैं हमने सीक्रेट इंट्रेस्ट सी 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 था दंगल um, में नितेश तिवारी uh, तो uh, uh, हर एक का काम करने का स्टाइल uh, तो अलग ही है और कुछ लोग uh, Uh, खुद लिखते भी है जैसे दंगल उन्होंने खुद लिखी सीक्रेट सुपर स्टार आ, 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 अद्वैत, अद्वैत ने, लिखी। ने लिखी है मुझे लगता है जब लोग अपनी अ, लिखी हुई स्क्रिप्ट बनाते हैं ना उनका एक अ, अलग इन्वॉल्वमेंट रहता है आई फील दे गेट लाइक वो कहानी ऑलरेडी बना चुके हैं अपने माइंड में एक तरह से हालांकि मैंने लापता लेडीज लिखी नहीं है लेकिन मैंने राइटिंग में बहुत मैं इन्वॉल्व थी तो एक तरह से आई ऑल्सो फील लाइक आई बीन पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस बहुत कि इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का भी मौका मिला ओके प्लीज टेल मी कि ये डायरेक्टर कैसी है सब लोग कहते हैं यार मेरी फिल्म में आमिर खान आ जाए कहती मुझे आमिर खान नहीं चाहिए ऑडिशन <laughs> की बात भी नहीं चाहिए मुझे रवि किशन चाहिए हाँ. हाँ ना? सब लोग हैं अभी हा? मैं सोचती हूँ कि यार

Use हैं वो भाई उन्होंने वो खुद कहते हैं कि भाई आ, हिंदी इंडस्ट्री में बहुत कोशिश की और जब कुछ डाल नहीं गली तो मैंने अपनी इंडस्ट्री खड़ा कर दी भोजपुरी सिनेमा की mm -hmm. तो इन सेंस ही देखी है उनकी, उनकी नहीं भोजपुरी फिल्म. फिल्म्स मैंने उनको उनकी मुक्काबाज देखी है अनुराग कश्यप की mm -hmm. uh, अनुराग ने बहुत तारीफ की आपकी फिल्म की हाँ यस या तो हाँ ये ही अमेजिंग एक्टर तो एक्चुअली वो रोल से इतने ऑर्गेनिकली फिट होते हैं कि मुझे अभी रिग्रेट तो है नहीं कोई uh, कि हमने आज, आमिर को नहीं ली पर वो एक ओपनिंग uh, डे का वो फर्क पड़ ही जाता है यू you नो know? <laughs> वो ओपनिंग वीकेंड का जो सबका एक तरह से ऑब्सेशन है कि यू नो फर्स्ट थ्री डेज में क्या किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं किरण बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है एक्चुअली द लव द फिल्म इज गेटिंग आई एम रियली रियली ग्रेटफुल ऑनेस्टली लोग फ़ोन कर रहे हैं सोशल मैसेज सोशल मीडिया पे मैसेजेस हैं क्रिटिक्स भी ने भी अच्छे रिव्यूज दिए हैं वो जो <laughs> <look surprised>. <laughs> <laughs> भी अच्छा ऑडियंस लाइक्स फिल्म ऑफिन इट्स नॉट नेली क्योंकि ऑडियंस तो यू hmm. नो you know, बहुत अलग अलग फिल्में पसंद करते हैं तो It's good that we say it. <laughs> it's good that they like this also. कैसी फिल्में पसंद कर रही ऑडियंस आजकल? भाई, you know, films that are uh, more uh, uh, action and VFX and thrills and उस टाइप टाइप तरह की फिल्में. Animal type. Violence. की. Animal type की. हाँ. देखिए आपने नहीं मैंने नहीं देखी इट्स आई वांट टू सी इट एक्चुअली देखना जरूरी है बिकॉज इट्स डन सो वेल इट्स अ ह्यूज हिट एंड पीपल हैव लव्ड इट तो आई एम वेरी कीन टू सी इट और मैंने सुना है उनका क्राफ्ट बहुत ही अच्छा है एक्चुअली संदीप संदीप रेड्डी वांगा का क्राफ्ट हाँ तो और रणबीर तो है ही अच्छे एक्टर सो इट विल बी अ गुड फिल्म आई मीन इट विल बी अ एन इंटरेस्टिंग वॉच फॉर मी बट पीपल सीम टू लव इट तो देखनी तो है फिल्म मेकर्स को बहुत केयरफुल होना पड़ता है बिफोर सेइंग एनीथिंग कि कुछ नहीं कहा उस उसपे भी कंट्रोवर्सी हो रही कुछ <laughs> कहा उस पर भी एंड यू हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री यस बहुत uh, केयरफुल रहना पड़ता है भाई क्योंकि हमारी फिल्में रोक देते हैं ना लोग फिर hmm. कोई केस उठा देता है कहीं दूर जाना कौन पड़ता है जरा बताइए नहीं नहीं जो भी जब भी आप कुछ कहें तो जब आपकी फिल्म रिलीज़ पे हो तो ये एक डर हर वक्त रहता है फिल्म मेकर्स को कि कहीं भी कोई ओफेंड हो गया तो आपकी फ़िल्म रोक देते हैं आप वो जो भी है यू नो कोर्ट का वो क्या कहते हैं व टू स्टॉप इट स्टे ऑर्डर स्टे ऑर्डर या ऐसा कुछ कर देते हैं तो यू ऑब्वियसली आर वॉर बिकॉज इतनी लोगों का की मेहनत है इतना पैसा लगा हुआ होता है हर फिल्म में yeah. और uh, कोई भी कभी भी कुछ कर सकता है ना तो वी हैव टू रियली ट्रेड ऑन एक्शेल्स हमारा हर वक्त कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना है कब भी नहीं <laughs> कब भी नहीं वेन योर फिल्म इज रिलीजिंग बिल्कुल नहीं, नहीं। hmm. और आज के ज़माने में वील टू यू रियली वॉन्ट टू बी स्टिल मेकिंग मूवीज Hmm. All your life. What next? More uh, More movies, I hope. More, uh, interesting stories करते रहेंगे कुछ ना कुछ uh, I'm, I've written a bunch of stuff. अब देखते हैं क्या होता है कब बनती है Okay, my last question. फिर हम audience के कुछ सवाल लेंगे किरण आजाद को क्या बताती हैं? किरण hmm. जो लापता ladies बना रही हैं किरण जो gender equality की बात कर रही है या quote hmm. कर रही है कि patriarchy hmm. का opposite इक्वालिटी है matriarchy की नहीं है क्योंकि व्हेन यू सेड ना कि कोलकाता गई तो पुरुषों का हमारी भी दिखते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं हुँ. लड़कों से भी पूछिए कि वो कहाँ घूम रहे हैं क्या हुँ. कर रहे हैं व्हाट डू यू टॉक जब आपकी आजाद से बात होती है जेंडर को लेके उसकी किस तरह की क्वेरीज होती हैं क्या कन्वर्सेशन होता है कन्वर्सेशन रिस्पेक्ट की होती है यू नो मोस्टली के जो भी है डजेंट मैटर इट्स अ मैन वुमेन ओल्ड यंग कोई भी बैकग्राउंड uh, से हो एवरीबडी हैज़ टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट तो उनको यू uh, नो you know, एक तरह से हमारे लाइफ में इतने सारे इस, इतने किस्म के लोगों से मिलते हैं इस्पेली क्लास hmm. एक जो डिफरेंस वो भी होता है हमारे यहाँ वी गेट वेरी अकस्टम टू पीपल डूइंग थिंग्स फॉर आज हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि किसी ने ला चाय रख दिया या चार पाँच साल के का बच्चा कहेगा वो देना ये देना नहीं, नहीं। हमें बिल्कुल अलाउड नहीं था ऐसा हमारे घर में भी कोई एक थी जो काम करती थी लेकिन हम उनको नहीं कह सकते थे कि कुछ ये ले आओ वो ले आओ वो अपना अच्छा। काम करती थी आपको जाके अपना ले आना पड़ता था एटलीस्ट लाएँ तो अच्छे से पूछिए और थैंक्स कहिए तो रिस्पेक्ट इज़ वॉट I would teach him hmm. for for life life in general for all kinds of life. not स्ट life, लाइफ बट uh, animal life the planet बहुत सारी चीज़ें हैं have we are very very thankful सब की इज्जत करिए ऑडियंस के पांच सवाल विकास गुप्ता का सवाल डायरेक्टर की वो स्ट्रगल जो हमें दिखते नहीं उनके बारे में बताइए कितनी कहानियाँ लिखी जाती हैं जो कभी Uh, पर्दे पे नहीं आती हैं हम लोग लिखते जाते हैं नरेट करते जाते हैं दर दर भटकते हैं फिल्में बनाने के लिए वो कभी एक्चुअली कोई पूछता नहीं है जब hmm. आपकी फिल्म आती है तो उसी फिल्म की बात होती है लेकिन इसके पीछे मेरे तेरह साल जो मैं लिख रही हूँ नरेट कर रही हूँ उन वो सर, सारे जो इट मस्ट फॉर सबको लगता तो होगा ऑफकोर्स और टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स आई हैम हाईली प्रिवेज ऑल ऑफ आस हू मेक फिल्म टू मेक फिल्म और मैं तो और भी प्रिवेज हूँ कि मेरे मेरे साथ एक प्रोड्यूसर है जो इतना सपोर्ट करते हैं कि यू डों गुड आइडिया जो भी है इमेजिनेशन hmm. है वो सपोर्ट hmm. करते हैं तो आई एम मच लक यू राजेश का सवाल आज महिला दिवस शुभकामनाएं दंगल के जरिए आपने नारी शक्ति को प्यार सम्मान दिलाया पर्दा प्रथा के बारे में लापता लेडीज बनाई लापता लेडीज पर्दा प्रथा के अलावा भी बहुत सारे औरतों के शोज के बारे में राजेश भाई अब आगे क्या सोच रही हैं मतलब क्या कोई ऐसे टॉपिक एंड देन स्टोरी नहीं ऑलवेज स्टोरी स्टोरी फर्स्ट मज़ेदार हो तो आप बहुत सी उसमें बातें छेड़ सकते हैं बहुत कुछ डाल सकते हैं लेकिन कहानी मज़ेदार होनी चाहिए शनाया का सवाल है कि जब आप अपने दिमाग में कहानी का सीन बनाती हैं और फिर वो सीन एक्चुअली में आप शूट कर रही हैं और मैच नहीं करता है वट्स द रिएक्शन लाइक बहुत uh, मुश्किल होती है कभी कभी रीशूट करना पड़ता है कभी कभी एडिट hmm. में उनको निकालना पड़ता है वी हैव टू फाइंड अ वे अराउंड मेक द स्टोरी वर्क कभी कभी एक पूरे किरदार का ट्रैक ही निकाल देते हैं ओके okay. हाँ तो यू हैव टू फिगर आउट कि ऐसे यू नो इफ़ यू डू दिस काइंड ऑफ अ रीशूट तो वो एक जो गैप इस कैरेक्टर के ना होने से पैदा hmm. होता है वो कैसे हम सॉल्व करें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं टू मेक अ फिल्म वर्क इशिता चौधरी का सवाल है कि एक कहानी से फिल्म बन सकती है ये आप लोग कैसे तय कर सकते हो यार दिस इज द स्टोरी एक्चुअली वी आर ऑल एन ऑडियंस फॉर लाइक टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हम लोग आग के अराउंड बैठ के कहानियाँ सुनते आ रहे हैं यू नो सो वे न कहानी जब आप सुनते हैं और अगर आपको वो इंट्रीक करती है कहानी और आपको और जानने की चाह होती है तो वो अच्छी कहानी है और तो okay. उसे बनानी चाहिए लास्ट क्वेश्चन आदिल का है हिंदी सिनेमा में विमेन रोल इवॉल्व हुए हैं आपको क्या लगता है वो क्या चीज़ें हैं जो नहीं बदली हैं अभी तक uh, क्या लगता है बहुत अच्छा लगता है कि और रोल्स आ रही हैं बहुत चीज़ें बदली नहीं है एक्चुअली इज अ स्टडी बाय टी कॉल्ड लाइट्स कैमरा एंड टाइम फॉर एक्शन जिन्होंने जिसमें उन्होंने मुंबई ने किया टिस्स मुंबई विधान साइंसिस हाँ और उन्होंने पाँच साल की फिल्मों का एक सर्वे किया था और देखा था कि ऑन पर्दे पर और पर्दे के पीछे जो रिप्रेजेंटेशन है औरतों की वो कितनी है इन रियल टर्म्स और किस डिपार्टमेंट्स में है और एक्चुअली हमारी अक, जो एक तरह से तादाद है इन एक्ट रियल टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग बहुत कम है ऑन uh, स्क्रीन भी ऑन स्क्रीन मेनली को कोस्टार के रोल uh, में देखी जाती हैं औरतें या hmm. फिर ऑफ स्क्रीन भी और डिसीजन मेकिंग रोल्स में कम है तो ये बहुत कुछ बदलना बाकी है और हम सब uh, कोशिश कर ही रहे हैं और कर, करेंगे हाय मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ फिल्म मेकिंग पे इतनी बात हो गई फिल्मों पे इतनी बात हो गई आप आजकल क्या देख रही हैं और वो पांच या तीन फिल्में जो आप सजेस्ट करेंगी कि लोगों को देखनी चाहिए आजकल मैं बहुत सारे कोरियन शोज देख रही हूँ एक्चुअली uh, तो पर तीन फिल्में जो मैं रेकमेंड करूँगी एक है क्विज लेडी जो बहुत uh, मज़ेदार है एक है अनैटमी ऑफ अ फॉल और तीसरी है पास्ट लाइफ हेलो मैम क्या हम आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीपल लाइफ का सेकेंड पार्ट आप बना सकते हो वैसा ही सटायर जैसा मीडिया पर हुआ था और पोलिटिक पार्टी में हुआ था uh, हाँ आई वुड वी वुड लव टू प्रोड्यूस इट पर अनुषा रिजवी को लिखनी पड़ेगी और कहानी सोचनी पड़ेगी uh, तो हम लोग तैयार हैं छोटा सा और क्वेश्चन है नहीं? आप अक्सर अपने फिल्मों में नए लोगों को जगह देते हैं जी। तो इंडिशली आप ऐसा देते हो कि बस आप खुद से चाहते हो कि नए नए लोग ज़्यादा आए इंडस्ट्री में जी हमारे देश में बहुत ही इतनी टैलेंट है तो दे, उनको चांस देना एक्चुअली बनता है और हमारी इंडस्ट्री और यू नो you know, डाइवर्स और रिच हो जाती है इस थैंक so यू मैम हैप्पी वुमेंस uh, डे थैंक यू मैम मैं भी जामिया से ही हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको जामिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी थी <laughs> जामिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो uh, टेरेस पे बैठ के कैंटीन में बातचीत करना वो तो लाइफ में बेस्ट है ऑलवेज थैंक यू थैंक यू और जामिया आपको मतलब आपके कैरियर में क्या रोल रहा उसका जामिया का एक्चुअली uh, मैंने सब कुछ फिल्म मेकिंग के बारे में सब कुछ वहीं सीखा एक्चुअली वर्ल्ड सिनेमा के बारे में फिल्में कैसे बनती थी अलग अलग किस्म की सिनेमा साउंड एडिटिंग सब मैंने वही सीखा है तो बहुत तगड़ा असर पड़ा जामिया का मुझ पर थैंक यू हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लापता लेडीज बहुत अच्छी लगी मैंने देखी थी रिव्यू किया है यहां के लिए जो मासी और बड़ी फिल्में बन रही है ना बड़े बजट की हाँ. फिल्में उस पे आपका क्या स्टैंड है हां मास सब सब तरह की फिल्में बननी चाहिए आई एम वेरी हैप्पी वी शुड हैव अ चॉइस ये एक बात है कि अनफॉर्चूनेटली एक ही तरह की फिल्में इन अ सेंस आर सक्सेसफुल बिकॉज़ उनके पास ये सारी ग्लिट्स ग्लैमर ये सब है तो हमारी किस्म की फिल्में थोड़ी आ, स्ट्रगल करती हैं द, 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 बॉक्स ऑफिस लेकिन आ, सब सब सारी किस्म की फिल्में बननी चाहिए यस द द्रिट सिनेमा अड्डा में आज के लिए इतना ही पर उससे पहले आखिरी बात याद रखिए कि कोशिशें हैं जो लगातार जारी रहनी चाहिए किरण राव आपने लापता लेडीज बनाई बहुत बहुत उसके लिए शुभकामनाएं थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू सर देखते रहिए ललन टॉप